हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। ये वीडियो जो है एमपी जेल प्रहरी में आप लोग की जो वैकेंसी निकली हुई थी, काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली हुई थी, जिसके लिए कि आप लोग के ऑनलाइन आवेदन किए गए थे, जो कि 24 अगस्त तक इसमें जो है ऑनलाइन अप्लाई किए गए थे। इसकी लास्ट डेट को जो है बढ़ाया गया था। इसमें जो आप लोग हाई स्कूल पास थे तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते थे। 18 से 33 साल इसमें आप लोग की जो है एज रखी गई थी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एमपी जेल प्रहरी में जिसने भी अप्लाई किया था, आप लोग के जो एडमिट कार्ड की डिटेल यहाँ पर दे दी गई है। मीन्स यहाँ पे आप लोग अपने एडमिट कार्ड की डिटेल यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन अभी एडमिट कार्ड आप लोग के जो है डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। आप लोग का नाम, सेंटर वगैरह, पूरी डिटेल आप लोग को जो है यहाँ पे मिल जाएगी। एडमिट कार्ड जो है आप लोग के जो भी आप लोग की एग्जामिनेशन डेट होगी उससे 3 दिन पहले ही आप लोग जो है डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप लोग को अभी जो है अपने डेट की पूरी जानकारी मिल जाएगी, किस डेट को आप लोग का एग्ज़ाम है, आपका नेम, फादर नेम, पूरी डिटेल आप लोग को यहाँ पे मिलने वाली है। आप लोग के फॉर्म एक्सेप्ट हुए नहीं हुए पूरी जानकारी आप लोग को मिलेगी। तो यदि आप लोगों ने भी अप्लाई किया था एमपी जेल प्रहरी के लिए, तो आप लोग भी जो है वेबसाइट पे आएंगे, इसका लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा, डायरेक्ट आप लोग इस पर क्लिक करके यहाँ पे आ जाएंगे। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है एमपी का, यहाँ पे सबसे ऊपर आप लोग देखेंगे टेस्ट एडमिट कार्ड जेल डिपार्टमेंट प्रहरी, ठीक है। यहाँ पे कार्यपालिका रिक्रूटमेंट टेस्ट 2020, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग जो है एक एडवाइजरी जारी की गई है, जो कि COVID-19 को लेकर की गई है, ठीक है। इस इंस्ट्रक्शन को आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ लेंगे, या फिर चाहे तो आप लोग प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो सारा का सारा कोविड को देखते हुए किया गया है, ठीक है। आप लोग को किस प्रकार से आना है, ठीक है, सैनिटाइजर लेकर के आना है, अपनी जो छोटी हैंड वगैरह, ठीक है, बोतल वगैरह जो भी हो आप लोग का, पारदर्शी हो। इसके अलावा दूरी आप लोग को मेंटेन करके चलना है। जो वहाँ के आप लोग के जो एग्जामिनर वगैरह हैं उनको जो है किस प्रकार से सभी चीज़ें सैनिटाइज करनी है, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे, सारा का सारा जो है कोविड को लेकर के है, ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप लोग जो है इसे क्रॉस कर देंगे, या क्रॉस करने के बाद आप लोग देखेंगे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आप लोग को दिए गए हैं। इसमें आप लोग को बताया गया है कि आप लोग को जो है एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड, जो डाउनलोड करेंगे वो लेकर के आना है। इसके अलावा निर्धारित समय पे जो भी आप लोग का रिपोर्टिंग टाइम है वहाँ पर उस समय पहुँचना, उसके बाद आने पर आप लोग को जो अनुमति नहीं दी जाएगी अंदर आने के लिए। एक आप लोग जो है फोटो युक्त जो है आप लोग को पहचान पत्र भी आप लोग को लेकर के जाना है, और TAC द्वितीय भाग में जो फोटो स्ट्रक्चर फोटो आप लोग को लेके जाना है, और ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। ना समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब बात आती है एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड आप लोग देखेंगे आप लोग को एक एप्लीकेशन नंबर होगा, जब भी आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया होगा तो एक एप्लीकेशन नंबर आप लोग को मिला होगा 13 डिजिट का, वो एप्लीकेशन नंबर आप लोग यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद आप लोग डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो भी आप लोग की डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिया गया 59-6 जो भी आप लोग का दिया हो बिल्कुल वही चीज़ आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद जो है आप लोग का प्रवेश पत्र, जो भी एडमिट कार्ड है, जो भी आप लोग का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है उसकी डिटेल यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें आप लोग को कुछ नहीं करना है, लेकिन यदि बहुत से स्टूडेंट जो कि एप्लीकेशन नंबर अपना भूल गए हैं तो कैसे एप्लीकेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं इसकी जानकारी मैं आप लोग को देता हूँ। तो प्रोफेशनल की जो ये एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट है, जिस पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर आप लोग देखेंगे ऑनलाइन फॉर्म का भी यहाँ पे आप लोग को जो है ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो ऑनलाइन फॉर्म पे इस पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को जो है जो भी आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, ठीक है, आप लोग ने जो भी प्रोफाइल फोटो फॉरगेट वगैरह पासवर्ड वगैरह भूल गए तो ये सारी डिटेल यहाँ पे आप लोग को दी गई है। फिलहाल हमें यहाँ पे आवेदन संख्या खोजनी है, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन नंबर हमें खोजना है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे आवेदन संख्या खोजे पे, आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आवेदन संख्या खोजे पे जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे आप लोग के परीक्षा का नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जिस भी आप लोग डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे चेक कर रहे हैं, जेल डिपार्टमेंट प्रहरी रिक्रूटमेंट टेस्ट 2020, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आप लोग का नाम है, उपनाम यदि कोई है तो ठीक है, जन्म डेट ऑफ बर्थ जो है आप लोग की वो दे देंगे। इसके अलावा आप लोग फादर का नेम देंगे, और श्रेणी जो भी थी आप लोग की वो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, मध्य प्रदेश के आप लोग निवासी हैं या नहीं वो आप लोग सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो आप लोग को कैप्चा दिया गया, जैसे 5+1=6, इसी प्रकार से जो भी दिया हो आप लोग उसे कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद आप लोग आगे बढ़े पे दबाएंगे। इसके बाद जो है आप लोग का एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएगा, जो भी आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा तो वही एप्लीकेशन नंबर आप लोग को जो है यहाँ पे डालना है। डालने के बाद आप लोग डेट ऑफ बर्थ डाल के, कैप्चा डाल के यहाँ पे आप लोग जो है अपने एडमिट कार्ड की जो है डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है एमपी जेल प्रहरी की, जो आप लोग की वैकेंसी निकली थी, बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो यदि आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया है तो आप लोग जल्द से जल्द अपने एडमिट कार्ड की डिटेल देखिए,
कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लोग के जो रिटेन एग्जाम है ये आप लोग के लास्ट नवंबर में है। जी हाँ, 23, 24, 25, 26 इस टाइप से आप लोग की डेट है, और इससे आप लोग 3 दिन पहले जो भी आप लोग की डेट होगी 22, 23, 24 उससे 3 दिन पहले ही आप लोग के एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे तो उसकी जानकारी भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो सबसे पहले इसमें आप लोग का रिटर्न होने वाला है, रिटर्न आप लोग का 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का टाइम होगा। तो यदि आप लोग को सिलेबस की जानकारी लेनी है तो आप लोग मुझे बताइए, मैं आप लोग को उसके लिए वीडियो भी बना के दे दूंगा। तो 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के आप लोग के 2 घंटे का टाइम मिलेगा। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान का आप लोग के क्वेश्चन होंगे, और इसमें से जो है आप लोग के 10 गुना बच्चे जो है पीटी पीएचडी के लिए बुलाए जाएंगे। जी हाँ, रिटर्न के बाद आप लोग को फिजिकल होना है, फिजिकल में आप लोग का जो है पीएचडी होगा, जहाँ पे आप लोगों को हाइट वेट चेस्ट, इसके अलावा आप लोग की पीटी होगी जिसमें 800 मीटर की दौड़ और गोला फेंक आप लोग का होने वाला है। पूरी डिटेल के लिए आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोग को एक वीडियो बना दूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोग से विदा लेना चाहूँगा। जाने से पहले ये कहूँगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप लोग के लिए लाते रहो। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।